मेला देखने के लिए निकल गए। गांव में कैसा मेला लगता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत मतलब यूनिक है मेरे लिए, जैसे कि ये फोटोशॉप है, मतलब बहुत पुराने टाइम की है, ऐसा लगता जैसे पुराने टाइम में खींची जाती थी ना फोटो, बिल्कुल वैसे ही। काउंट करो, बच्चे नहीं घूमने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बच्चों को काउंट कर लो। 13 लोग हैं, जब निकलते हैं मिल लेना, काउंट कर लेना। कितने लोग हैं ओ मोटू, कितने लोग हैं? 14 है भैया को कहाँ गिना है उनको लेके फोटो। वसूल कनाडा में बोलो कहाँ बैठोगी, बोलो इसे बैठा दे, इस पे बैठा दे। आज भी बेटे का तेल निकाल दो। ओ मोटू क्या खाएगा? अंडे खाने का मन हो रहा है। तो उन्होंने डिमांड की थी कुछ झूला झुलाना है, तो भाई इसको लेके आए कुछ झूला उला झूल लें। वैसे तो भी बहुत सारी डिमांड है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके नानों ने इसको पैसा दिया था ना, भाई फैली हुई थी पूरे झूल, मतलब पूरे मेले में फैली हुई थी। मैं ये करूँगी मैं वो करूँ तो लगी हुई है, और इन सब की प्लानिंग शुरू हो गई है, शॉपिंग करना है। अब आप देख रहे हैं स्टॉल्स इतनी चेंज करेंगे जिसकी लिमिट नहीं होती। जैसे कि अभी पहले स्टॉल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सामान वाल खरीद रहे हैं, आगे अभी देखो अभी तो शुरुआत हुई है। भाई साहब बोरियाँ भर भर के निकलेंगे नहीं लास्ट में, तो देखना आप ये ऐसे ऐसे कंडीशन निकलेंगी। ये उन्होंने वापस जिम में कर जीत करी थी तो दूसरे जिले को लाया, और इनके वापस आ गई शॉपिंग स्टार्ट, मतलब एक स्टॉल से छूट गई दूसरे स्टॉल पर पहुँच गई थी। तो देखते हैं आपको पता चलेगा आने वाले टाइम के अंदर। फिर ये इन लोगों का तीसरा झूला हुआ, तो भाई जब तक ये पैसा ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक ये कंटिन्यू झूला चलता ही रहा है और मैं झूलाता ही रहा हूँ। तो अगर आगे देखा जाए ये झूल जाएंगे, पर अभी वापस पहुँचेंगे देखना। दोस्तों पुराने टाइम में जैसे मेले के अंदर है ना ऑर्केस्ट्रा वगैरह रामलीला ये सब होती थी ना, तो ये रामलीला का पूरा सेट लगा हुआ है, जो बारिश के कारण से कुछ देरी से शुरू हुआ। अभी अच्छा हुआ कि मैं भी देख पाया, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हुई। जयपुर में पहले ऐसे ही पूरा सेट लगा करके और है ना रामलीला की जाती थी, तो बचपन की यादें कुछ ताज़ा से चल रही हमने यहाँ पे आने के बाद में, और बहुत अच्छा हुआ यहाँ, मतलब बहुत अच्छा भी लगा हमें। बचपन की कुछ यादें, ऐसे बच्चे देखो भाई जैसे कि मम्मी से लड़ रहा है, मेरे को सामान दिला दो मेरे को सामान दिला दो, ऐसे कर रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी है। आगे और भी आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगे, जैसे कि गुंडों की देख लो आप। मस्के लगा रही हो, मस्के लगा रही हो, पकड़ भी नहीं क्या बोला ना, ये ना बहुत जल्दी पार्टी चेंज करती है बहुत जल्दी। आने टाइम में इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन ही है पार्टी, भाई इलेक्शन में खड़ी होगी बहुत आराम से। यूँ पार्टी स्विच करती है बैठे बैठे, यूँ पार्टी स्विच। अभी देखिए पापा से निकल रही दाल, अभी चलो मौसी को पकड़ते हैं। अब गुन्नू ने पार्टी चेंज कर ली वापस से, ये पक्का इलेक्शन में खड़ी होगी, और कहीं खड़ी ना हो पर इलेक्शन में जरूर खड़ी होगी। पहले मासी मेरे को पकड़ी थी, फिर मासी को पकड़ी थी, फिर मम्मी को पकड़ी, अभी नानी को पकड़ी है कि मुझे ये दिला दो मुझे वो दिला दो। देखो दोस्तों बचपन में ना ऐसे ही है ना, बच्चे और हम सब लौट जाते थे ज़मीन पे खिलौने नहीं मिलने पे, तो एक बहुत पुरानी याद है। क्या आपने ऐसा किया है या आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। मुँह दिखाना, मुँह हाथ डालना, मुँह दिखाना। इस मेला में आने के बाद मुझे एक चीज़ का फील हुआ है, पुराने टाइम में ना लोग कितने मज़े करते थे, हम सब पहले छोटे थे मैं नहीं देख पाया, आज मैं पुरानी यादों को देख पाया कि कितना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, बहुत चीज़ें सस्ती मिल रही थी, झूले सस्ते थे, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब अपने गाँव जाया करो यार, वहाँ पर जो मेला होता है ना ज़रूर देखा करो, आपको बहुत अच्छा फील आएगा वहाँ पर, और आपकी पुरानी यादें भी ताज़ी हो जाएंगी। ये मैंने भाई अभी मेले में ना इसकी बड़ी रोटी और ये सब बनी थी, नहीं पहली बार देखा, पर खाया मैंने बहुत अल्टीमेट लगा, बहुत अल्टीमेट। ये पूड़ी थी और पूड़ी के साथ में हलवा मिल रहा था, तो अच्छा लगा खाने में, ज़्यादा नहीं खा सकता क्योंकि प्रॉब्लम थी, पर बहुत ठीक था। तो चले दोस्तों अब यहाँ से खाते के अब निकलेंगे घर के लिए। आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा है तो भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को ऑल पर सेट करना, पर हुआ क्या अलग।
ये सारे लबदर बैठ गए खाने के लिए। अब इन सब को बैठ के हम सब ने खिलाया भाई, कसम से मेरे को लौटने का मन करने लग गया था, कितना खा रहे हैं सब, कितना खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, खैर कोई नहीं, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, गाँव के ब्लॉग्स दे दें, आपको कैसा लगा गाँव का माहौल ये जरूर बताइएगा, और बस सब कुछ दिन में जल्दी जयपुर के लिए निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।